calendar. What is social media calendar? Why we need social media calendar and how to make social media calendar for your brand. So last भी हमने step by step ये भी सीख लिया कि how to make social media calendar. तो मैंने जो 3 question किया था इस video के starting में, उन 3 question का जवाब मैंने इस video में आपको दे दिया. आज हम एक नए term के बारे में सीखेंगे जो है social media calendar. What is social media calendar? Why we need social media calendar and how to make social media calendar for your brand? इन 3 क्वेश्चन का हम जवाब जानेंगे इस वीडियो के अंदर. तो अगर आपको इन 3 क्वेश्चन का जवाब जानना है तो आपको मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा. तो आइए शुरू करते हैं. मैं हूँ मधुमिता गोस्वामी, एंटरप्रेन्योर एंड डायरेक्टर ऑफ आरआर डिजिटल सूत्र. तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज सोशल मीडिया कैलेंडर. आखिर एक सोशल मीडिया कैलेंडर क्या होता है? सोशल मीडिया कैलेंडर को सोशल मीडिया प्लानर भी बोला जाता है और ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पे आप जो प्लानिंग करते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अकॉर्डिंग, उस प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक जो पूरा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को एक्युमुलेट करने में, उस प्रोसेस को अच्छे से एग्जीक्यूट करने में आपको मदद करता है सोशल मीडिया कैलेंडर. आप कौन से डेट में कौन से पोस्टिंग करना चाहते हैं, आपकी कौन सी पोस्टिंग कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में होगा, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो बहुत सारे हैं, तो कौन से पोस्टिंग कहाँ पे होगा, कौन से थीम्स आप यूज़ करने वाले हैं, सारी चीज़ों की जानकारी आप पहले से सोशल मीडिया कैलेंडर के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं और आप उस चीज़ को देख के उस तरह से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं डे बाई डे उस डेट के अकॉर्डिंग. आपको सोशल मीडिया के अंदर रोज़ पोस्टिंग करना है, वीकली पोस्टिंग करना है या ट्वाइस ए डे पोस्टिंग करना है, ट्वाइस ए वीक पोस्टिंग करना है, कैसे आपको पोस्टिंग करना है, उस चीज़ों को भी आप अच्छे से एक्युमुलेट कर सकते हैं, उस चीज़ों को आप अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं पहले से ही और उस चीज़ को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं टाइमली. अगर आप सोशल मीडिया कैलेंडर प्रिपेयर करते हैं तो उसको कितने दिनों के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, पहले से प्लानिंग कितने दिन का करना पड़ेगा ये भी समझ लेते हैं. आप जिस ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं उनकी प्लानिंग कैसे होगा, उनकी एग्जीक्यूशन कैसे होगा, उसके ऊपर निर्भरित करता है कि आपके सोशल मीडिया कैलेंडर कितने दिनों के लिए प्रिपेयर होगा. मतलब आप कितने दिनों के लिए एक एक बार सोशल मीडिया कैलेंडर प्रिपेयर करेंगे. जैसे कि आपका ब्रांड जैसे चाहता है ऐसे ही आप 30 डेज़ के लिए, 7 डेज़ के लिए, 15 डेज़ के लिए अपने सोशल मीडिया कैलेंडर को प्रिपेयर कर सकते हैं और जब भी वो डेट एक्सपायर होने जा रहा है उसके बाद उस चीज़ को आप फिर से रिन्यू कर सकते हैं, मतलब फिर से आप रीप्रिपेयर कर सकते हैं. एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट को, एक सोशल मीडिया मार्केटर को सोशल मीडिया कैलेंडर बहुत हेल्प करता है उनके काम को और अच्छे से करने के लिए, उनके काम को और सिस्टमेटिक करने के लिए, क्योंकि पहले से प्लानिंग रहेगा तो सब कुछ टाइमली होगा और सब कुछ टाइमली एग्जीक्यूट होगा तो रिजल्ट भी उसका अच्छा ही मिलेगा. हमने ये तो समझ लिया कि व्हाट इज़ सोशल मीडिया कैलेंडर. अभी ये भी समझना ज़रूरी है कि क्यों हम करें, व्हाई वी नीड सोशल मीडिया कैलेंडर. क्यों सोशल मीडिया कैलेंडर हमारे ब्रांड के लिए, हमारे ब्रांड की परफॉर्मेंस को और बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और हेल्पफुल है. अगर हम इरेगुलरली अपने ब्रांड की प्रमोशन करें, सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, सोशल मीडिया में अगर हम इरेगुलरली पोस्टिंग करें तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा. हम अपना एफर्ट तो लगाते जाएंगे, हम अपना काम तो करते जाएंगे, बट परफॉर्मेंस रेट ज़ीरो रहेगा या तो परफॉर्मेंस रेट एकदम कम रहेगा जो ना के बराबर है. तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा. कोई भी ब्रांड को अगर आगे पोजिशनिंग करना है तो उस पर रेगुलरिटी लाना अपने काम पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये रेगुलरिटी लाने में आपको सोशल मीडिया कैलेंडर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है. अगर एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट सोशल मीडिया कैलेंडर को यूज़ करता है तो वो इंसान हमेशा एक कदम आगे रहेगा और वो जो एक कदम आगे रहेगा उससे बहुत ही हेल्प होता है. जब पोस्टिंग रेगुलरली होता है, जब वहाँ पे हैशटैग अच्छे से यूज़ होते, सोशल मीडिया कैलेंडर के ज़रिए हम जब इस चीज़ को प्लान कर पाते कि कौन से डेट में कौन से पोस्टिंग जाएंगे, किस तरह की पोस्टिंग जाएंगे, थीम्स कैसे होंगे और किस तरह की कंटेंट हम पोस्ट करने जा रहे हैं, तो इससे बहुत हेल्प होता है. हम उस चीज़ को रेगुलरली कर पाते, हम कंसिस्टेंसी दिखा पाते, पैशंस दिखा पाते और जिससे हमें आने वाले टाइम पर ऑर्गेनिक मार्केटिंग के थ्रू रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है. सोशल मीडिया कैलेंडर की यूटिलाइजेशन से वर्क में एफिशिएंसी दिखता है और जब वर्क में एफिशिएंसी दिखता है जो आपका स्ट्रेटजी होता है वो और स्ट्रांग बन जाता है और जब स्ट्रेटजी स्ट्रांग बन जाता है तो जो आपका पर्टिकुलर ब्रांड है जिसके साथ आप एसोसिएटेड हैं उसको रातों रात वायरल होने में, रातों रात उसको पोजिशनिंग करने में टाइम नहीं लगेगा
हो सकता है इनिशियल लेवल पे जहाँ पे आप फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे आपको टाइम लगेगा, बट एक बार जब सक्सेस आना शुरू हो जाएगा, जब एंगेजमेंट शुरू हो जाएगा, तब सोशल मीडिया कैलेंडर आपको बहुत ही हेल्प करेगा और एंगेजमेंट रेट और दिन दिन बढ़ेगा और वहीं से आता है सक्सेस कोई भी ब्रांड के लिए। तो हमने समझ लिया व्हाट इज सोशल मीडिया कैलेंडर और हमने ये भी समझ लिया व्हाई वी नीड सोशल मीडिया कैलेंडर फॉर आवर एसोसिएटेड ब्रांड। अभी हमें समझना ये ज़रूरी है कि व्हाट आर द स्टेप्स टू मेक सोशल मीडिया कैलेंडर, क्योंकि अगर हम एक इफेक्टिव सोशल मीडिया कैलेंडर प्लानिंग कर सकते तभी इससे हमें फ़ायदा मिल सकता है। फर्स्ट स्टेप, आपको ये डिसाइड करना है कि आपका ब्रांड कौन से सेक्टर से रिलेटेड है और उस सेक्टर के अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितने दिनों की प्लानिंग आपको करना है। आपको 7 डेज की प्लानिंग करना है, 15 डेज की प्लानिंग करना है, या तो 30 डेज के लिए आपको प्लानिंग करना है सोशल मीडिया कैलेंडर का। सेकेंड पॉइंट, आइडेंटिफाई चैनल्स। चैनल्स मतलब कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप यूटिलाइज करने जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है आपके सोशल मीडिया कैलेंडर, क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म के लिए आपको कस्टमाइज सोशल मीडिया कैलेंडर प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक ही सोशल मीडिया कैलेंडर से आप हर एक प्लेटफॉर्म को अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएंगे, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आप जो प्लानिंग करना चाहते वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस पर मैसअप हो जाएगा। और अगर आपको मैसअप नहीं करना है, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना है, तो आपको हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग सोशल मीडिया कैलेंडर प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जो प्लेटफॉर्म, जो चैनल्स आपके लिए इफेक्टिवली काम करेंगे उसी पे आप फोकस करिए, ना कि हर एक प्लेटफॉर्म को आप यूटिलाइज करने की कोशिश करिए, क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म को आप यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सोशल मीडिया कैलेंडर्स बनाने होंगे और इतने कैलेंडर्स को मेंटेन कर पाना इजी नहीं होता है और इससे आपकी परफॉर्मेंस रेट भी कम हो सकता है अगर आप 100% अपना नहीं दे पाए सोशल मीडिया कैलेंडर्स को, अगर आप 100% यूटिलाइज ना कर पाए। थर्ड आता है पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी। आप कितना फ्रीक्वेंटली पोस्ट करेंगे ये भी आपको प्लानिंग कर लेना पड़ेगा सोशल मीडिया कैलेंडर्स के अंदर, कि आप वीकली एक दिन पोस्टिंग करेंगे, वीकली दो दिन पोस्टिंग करेंगे, वीकली तीन दिन पोस्टिंग करेंगे, या रोज़ पोस्टिंग करेंगे, या आप एक दिन के अंदर दो दो बार पोस्टिंग करेंगे। कैसे आप पोस्टिंग करेंगे, आपके ऑडियंस को कैसे पोस्टिंग चाहिए, इसके ऊपर आप अपने सोशल मीडिया कैलेंडर के अंदर प्लानिंग कर सकते हैं कि कैसे आपको फ्रीक्वेंटली पोस्टिंग करने हैं। फोर्थ पॉइंट, एवरी डे के लिए आपको अलग अलग कंटेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा और प्लानिंग आपको सोशल मीडिया कैलेंडर पे ऐसे ही रखना पड़ेगा। जैसे मंडे टू लेके सैटरडे हर एक दिन, या तो संडे को भी अगर आप इंक्लूड करते हैं तो हर एक दिन अलग होता है, लोगों के मूड अलग अलग होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने कंटेंट के थीम भी उस तरह से रखना पड़ेगा। जैसे मंडे के लिए अलग हो सकता है, सैटरडे के लिए अलग हो सकता है, संडे के लिए अलग हो सकता है, तो आपका ब्रांड मतलब आपका प्रोडक्ट या सर्विस क्या है और उसके अकॉर्डिंग आप कैसे थीम्स डिसाइड कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी एवरीडे की शेड्यूल अपने सोशल मीडिया कैलेंडर पर कर सकते हैं। सो लास्टली हमने स्टेप बाय स्टेप ये भी सीख लिया कि हाउ टू मेक सोशल मीडिया कैलेंडर। तो मैंने जो 3 क्वेश्चन किया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में, उन 3 क्वेश्चन का जवाब मैंने इस वीडियो में आपको दे दिया। अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिगार्डिंग या डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग और भी वीडियोस देखने हैं हमारे चैनल पे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अभी हिट कर दीजिए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग लेटेस्ट वीडियोस हम हमेशा अपलोड करते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो से अगर आपको कुछ वैल्यू मिला है तो इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।